इसीलिए बाबा कहते हैं कि मन और बुद्धि को क्लीन और क्लियर करो। तो वो भी सहनशील होगा तो मन और बुद्धि क्लियर होंगे, निर्णय शक्ति उसकी अच्छी होगी। जैसे साफ पानी होता है, आप देखो सागर के किनारे पर जाते हैं ना, तो कहाँ कहाँ हमको याद है, हम साउथ अमेरिका में गए थे, कहाँ गए थे फॉरेन में, वहाँ का पानी इतना क्लियर था, अंत तक जो लास्ट में आता है ना, यहाँ तो लास्ट में वो मिट्टी और किचरा लेकर के आते हैं, कई समुद्र में ऐसा होता है, लेकिन वहाँ इतना क्लियर था, जो वहाँ का मशहूर था, तो अखबार आप डालो और ऐसे खड़े होके आप अखबार, उस पानी इतना क्लीन था जो पढ़ सकते हो आप, इतना क्लीन पानी था, हमने देखा था, शहर का नाम मुझे भूल गया। तो जो क्लीन चीज होती है उसमें सब स्पष्ट आता है। अगर पानी सफेद होता है, साफ होता है, उसमें सुई भी डालेंगे तो आपको सुई दिखाई देंगी, और बहुत गंदा मैला पानी हो उसमें भैंस भी होंगी तो भी नहीं दिखाई देंगी। तो जितना आप क्लीन और क्लियर होंगे ना, बुद्धि मन, उतनी आपकी निर्णय शक्ति और अंत में बाबा की टचिंग आएंगी और आप फुल पास हो सकेंगे। इसलिए सहनशीलता बहुत जरूरी। अरे शिव बाबा की श्रीमत मैंने मानी, उसकी खुशी कितनी है। अगर बाप का कोई वफादार बच्चा बन जाता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसको कितनी खुशी होती है, और बाप को भी चार बच्चे होंगे लेकिन जो आज्ञाकारी होगा उससे नेचुरल प्यार होता ही है बाप का। यहां बाबा सभी को मीठे मीठे प्यारे बच्चे तो सभी को कह देते, करवा होगा तो भी बाबा तो प्यारे ही कहते हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं मीठे मीठे और थोड़े करवे भी, ये थोड़ी ध्यान प्यार देता है। बाबा को पता है करवे भी है, लेकिन बाबा फिर भी याद प्यार जो देता है वो मीठे मीठे बच्चे ही देता है। तो श्रीमत मानना, बाबा की आज्ञा को हमने पालन किया, बाबा ने कहा है सहनशील बनो, मैं सहनशील बना, आत्मा द्वारा मेरी भले इंसल्ट हुई लेकिन परमात्मा द्वारा तो मुझे नंबर मिलेंगे, काम में क्या आएगा, परमात्मा के दिल पर मैं चढ़ जाऊंगी, दिल तख्त के अधिकारी बन जाऊंगी, तो वो प्राप्ति अच्छी या चलो मेरी महिमा कर दी, गाली नहीं दी, वो ज्यादा है या वो ज्यादा है। तो सहनशीलता हमारे को बहुत बहुत आवश्यक है।
सहनशील मनुष्य जो भी आत्मा होगी वो प्रभु की प्यारी तो होगी क्योंकि श्रीमत मानी। लेकिन मैंने देखा है ब्राह्मण परिवार में भी, क्योंकि कोई से खिटखिटी नहीं होगी ना उसकी, एक दो से दिल्या दूर होती क्यों है, वह एक दो के दिल से प्यार नहीं होता है। कईयों का क्या होगा, भले कनेक्शन होगा लेकिन दिल का प्यार नहीं होगा। जैसे नीति परमान कर रहे हैं लेकिन दिल का नहीं होगा। तो सहनशील आत्मा जो होगी वो दैवी परिवार में प्यारी होंगी। लेकिन सहनशील आत्मा को अवमान भी नहीं होगा, मैं पर नहीं होगा, बाबा बाबा होगा।